ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, सबसे पहले आप ये क्लिप देख लो। कुछ भी तो आपने क्लिप देखी, ये वीडियो काफी वायरल हुआ था काफी टाइम, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया भी था, लेकिन इस बंदे ने मेरी वीडियो टेक डाउन करवा दी, यूट्यूब से हटवा दी, कि इसका जो पोल पट्टी है मैंने खोल दिया था सारा। मैंने ये बता दिया था कि ये सारी वीडियो फेक है। इसके ऊपर इसने यूट्यूब को कंप्लेंट करी कि इसने मेरा कॉन्टेंट यूज किया है, उसकी वजह से यूट्यूब ने वीडियो को टेक डाउन कर दिया। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो मैं नहीं चाह रहा था कि दूसरी स्ट्राइक आए मेरे चैनल के ऊपर, एक स्ट्राइक काफी है, और लाइफ में पहली बार स्ट्राइक आई मेरे चैनल पे, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में किसी का कॉन्टेंट यूज ही नहीं करा था। तो इसका मैंने आपको बताने के लिए करा था कि ये फेक वीडियो है, लेकिन इस बंदे ने स्ट्राइक दे दी, तो 3 महीने मेरे को चुप बैठना पड़ा। मैं नहीं चाह रहा था कि और स्ट्राइक आए, ठीक है, लेकिन आज हम इसकी पोल पट्टी खोलेंगे। क्या बात है सर, ये बात है। पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा तो ये बंदा क्या कह रहा है कि ये एक फ्री एनर्जी जनरेटर है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ये बंदा, ये इससे एक बल्ब जला के दिखाएगा आप लोगों को, और ये 100 वाट का बल्ब है और एसी में है, ठीक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो जैसा आप देख चुके हो कि 100 वाट का बल्ब इसने एसी में चला के दिखा दिया, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये एक मशीन बना दिया है जो फ्री एनर्जी से चलती है, जैसा इसका खुद का भी दावा है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? तो इसने क्या कर रखा है, आगे मैग्नेट लगा रखे है, उसके पीछे फ्लाई व्हील लगा रखे है, उसके पीछे एक अल्टरनेटर है जो एसी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। देखने से ऐसा लगता है कि यार इसके अंदर कुछ जुगाड़ कर रखा होगा, मतलब नीचे से कोई तार वार ले रखा होगा, लेकिन मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए इसकी वीडियो देख के कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो आगे वीडियो देखो, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अपनी पूरी मशीन को उठा रखा है हवा में और नीचे सब कुछ दिखा रहा है। या, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और इसने ये मशीन जो है ना, ये पब्लिक प्लेस में जाके चलाई ताकि लोगों को ये बता सके कि मैंने कुछ भी इसके अंदर जुगाड़ नहीं करा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो गए, यार पब्लिक प्लेस में तो कोई जुगाड़ करने का मसला ही नहीं, कोई जमीन में गड्ढे थोड़ी खोदेगा नीचे से तार डालने के लिए, और तार डालने के लिए कोई जगह भी नहीं, क्योंकि इसने उठा के दिखा दी उस जगह को, ठीक है। तो अभी आगे देखो आप, अभी इसको असेंबल भी जो कर रहा है वो भी पब्लिक प्लेस में कर रहा है, मतलब डायनो वगैरह जो ये लगा रहा है इसके अंदर वो भी पब्लिक प्लेस के अंदर ही लगा रहा है। तो बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाता है कि इसने नीचे से कोई तार ले रखा है। बात तो सही है। यहाँ पे आने के बाद आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हो कि ऐसा क्या कर रखा है इस बंदे ने कि बाहर से कोई तार नहीं है, पब्लिक प्लेस में इसने चला रखी इस चीज को, तो किस तरीके से ये काम कर रही है मशीन? रियल तो नहीं है, रियल तो पक्का नहीं है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो टेक डाउन हो गया था इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक से ही एक बंदे को बुलाया जो इसकी मशीन को रन करा रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहता है कि इस मशीन को हाथ से रन कराओ, ठीक है, थोड़ा सा टॉर्क जनरेट करो खुद ही, और उसके बाद ये मशीन के आगे जो मैग्नेटिक वाले पिस्टन लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देंगे, जिससे ये मशीन अपने आप ही चलना शुरू कर देगी, और 7 kV का जो ऑल्टरनेटर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करेगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मैग्नेटिक पावर सिस्टम लगा रहा है आगे लगा हुआ, और इससे ये फ्लाई व्हील चल रहा है जिससे ऑल्टरनेटर चल रहा है, सिंपल है। लेकिन अभी आगे देखें, पूरा सब कुछ समझा दूंगा मैं किस तरीके से ये मशीन काम कर रही है। ठीक है, जैसा इसका दावा था बंदे का, लोगों ने इसके पास कमेंट करके कहा होगा कि भाई ये जो मशीन है, लोगों को भी डाउट हुआ होगा कि मशीन काम नहीं करने की प्रॉपर, तो लोगों को लगा कि इसको बोलेंगे पब्लिक प्लेस में चला के दिखा, तो पब्लिक प्लेस में दिखाएगा तो इसकी पोल खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन इसने क्या करा, पब्लिक प्लेस में इसको चला के दिखाया, और लोगों के सामने कितने सारे लोग खड़े हैं, ठीक है, उन सबको बेवकूफ़ बनाया ये, और उनके सामने इस मशीन को चलाया और ये दिखाया कि देखो मैंने नीचे से कोई तार नहीं ले रखा है, मशीन अपने आप रन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन अभी आपको ज़रा गौर देना है जो मैं बताने वाला हूँ उन सब बातों के ऊपर, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या लोचा हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस मशीन को रोकने का तरीका क्या है, इस मशीन को रोकने का तरीका जैसे आपके सामने है ही, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस मशीन को, चलती हुई मशीन को एक हाथ में रुमाल लो और इसके फ्लाई व्हील को ऐसे कंप्रेस करते चले जाओ, दबाते चले जाओ, तो इससे अपने आप ही ये मशीन रुक जाएगी। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो कि 7 kV की मशीन को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम है उसको आप हाथ से नहीं रोक सकते, लेकिन चलो ठीक है, ये कह रहा है तो कि भाई इस तरीके से इसको रोक सकते हैं हम, और चलाने के लिए क्या है, थोड़ी देर रन करना पड़ेगा और उसके बाद ये मशीन अपने आप चल जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स के लॉ के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हैं,
हम इसके बारे में बताते हैं कि इसने करा किस तरीके से, ठीक है। तो अभी बंदा अपना खून पसीना बहा के जो लोगों का बेवकूफ बनाया, उसके वो पसीने पोंछ रहा अपना, बहुत टेंशन में आ गया भाई, वो चूना लगा दिया। तो यहाँ पे एक और बंदा आके इस मशीन को चला रहा है, तो क्या हो रहा है कि बारी बारी से लोग सब चला के देख रहे हैं, ताकि लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये खुद ही से चला रहा है मशीन को। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को नोट करनी है, आप लोगों को नोट करना है कि जब भी ये मशीन चलती है, ये पर्टिकुलर जगह पे खड़ा होता है बंदा, ठीक है, और वहाँ से ये कुछ करता है जिससे ये मशीन चलती है। ये हाथ से घुमाने से नहीं चलती, लेकिन ये कुछ करता है उसकी वजह से चलती है, ठीक है। अच्छा, हमको सिखा रहा है। यहाँ पे आपको गौर देना है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है इस मशीन के अंदर, ठीक है, मतलब कैसे चल रही है। ध्यान देना है इसका जो राइट हैंड है वो क्या कर रहा है, देखता हूँ आप लोग पकड़ पाते हो या नहीं। इसके राइट हैंड की हरकत देखना कि राइट हैंड से क्या करता है। एक बॉक्स के ऊपर इसने हाथ रखा है और वहीं से ये कुछ कर रहा है, जरा गौर से देखो तब ये मशीन चलती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कर दिया काम, समझ गए आप लोग या नहीं समझे, चलो वीडियो चल रही है, देखते रहो। अब यहाँ पे मैंने रेड मार्क जो किया है ना, इसके हाथ को ही देखना है आप लोगों को, इसकी ये वाली उंगली पर गौर देना, ये उस उंगली से कुछ कर रहा है, ठीक है, गौर से देना। ऐसे पकड़ रखा है इसने बॉक्स को, और उसकी नीचे वाली जो उंगली है उससे कुछ कर रहा है, मतलब कुछ पुश कर रहा है, गौर से देखो, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है, दिखा तुम्हें। यहाँ पे इसने बंदे ने पुश करा, अपनी उंगली का इस्तेमाल करा और एक बटन को पुश कराया, पहले राउंड दिया मशीन को, उसके बाद इसने एक बटन पुश कर दिया, ठीक। नहीं समझ में आया, दोबारा से देखो, पहले इसने उंगली से पुश करा उसको, और दोबारा में इसने दूसरा बंदा जब आया तब भी ये उंगली से कुछ पुश कर रहा है। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये क्या चीज पुश कर रहा है यहाँ पे, देखो एक्चुअल में ये जो डायनोमा आपको नजर आ रहा है ना, ये कोई डायनोमा है ही नहीं, मतलब ये कोई अल्टरनेटर नहीं है। इसके अंदर इसने कुछ मशीन लगा रखी है, जैसे इन्वर्टर हो गया, जैसे एक बैटरी हो गई, जैसे एक मोटर हो गया, इसके अंदर ये सारा मैकेनिज्म फिट है। और ये बटन से पुश करने से उस इन्वर्टर को एक्टिव करता है, जिससे ऑपरेट होता है इसके अंदर लगा हुआ एक मोटर। तो ये पहले मशीन को बाहर से रन करवाता है, और रन करने के बाद ये इस बटन को जैसे पुश करता है तो अंदर लगी हुई मोटर फ्लाईव्हील को घुमाने लगती है, ठीक है। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये डायनोमा जो है, ये डायनोमा काम कर रहा है, फ्लाईव्हील चला रहा है डायनोमा को, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर जो ये बटन दबा रहा है, इसके अंदर से एक मोटर चलती है डायनोमा के अंदर से, जो चलते हुए फ्लाईव्हील को राउंड देने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये मशीन अपने आप चल रही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस काम को कर रहा था, तो बेवकूफ़ बना रहा था टोटल। एक्चुअल में ऐसी कोई मशीन बन ही नहीं सकती जिस तरीके की ये मशीन बता रहा है, ठीक है। फ्लाईव्हील एनर्जी से मशीन चल सकती है, और बन भी चुकी है, और पेटेंट भी हो चुकी है, और हमारे इंडिया में ही बनाया एक बंदे ने, और उसने पेटेंट करा रखा है, वो अच्छे से काम कर रही है। लेकिन वो भी ये नहीं कि फ्री में बिजली बना रही है, उसका एक कॉन्सेप्ट है कि वो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जो सरकारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, उससे कुछ मोटर चला रही है और उसका लोड कम कर देते हैं फ्लाईव्हील की मदद से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा चोरी का कॉन्सेप्ट है, मतलब इस तरीके की वीडियो बहुत सारे लोग बनाते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि आप लोगों का पैसा बर्बाद होता है इन चीज़ों के चक्कर में। आप लोग समझ गए कि बार बार अपनी इस उंगली से एक बटन को पुश करता है, यानी इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म लगा है। अगर आप लोगों को पूरा समझना है डिटेल में कि इसके अंदर वो मैकेनिज्म किस तरीके से फिट किया गया होगा जिसको ये दिखाता है, तो आपको कमेंट करना होगा, और मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पूरा एक बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा आपको कि एक एक पार्ट इसने किस तरीके से असेंबल किया होगा, क्या क्या चीज़ें इसने लगाई होंगी, और उसके बाद आप इजीली समझ सकते हो कि ये कौन सा बटन है जिसको दबाने से ये पूरी मशीन ऑपरेट हो रही है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये जो बंदा बोल रहा है ना कि मैंने फ्री एनर्जी की वीडियो बनानी, नहीं यार ये बिल्कुल फेक वीडियो है। ऐसे लोगों को रिपोर्ट करो, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आपको रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इस तरीके की मशीन नहीं बन सकती, फिजिक्स का लॉ इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है, और ये जितनी भी वीडियो है सब फेक है, अलग अलग तरीके के जुगाड़ बना लेते हैं। अगर किसी भी मशीन के बारे में आपको जानना है कि वो रियल में काम करिए नहीं, तो आप कमेंट करके उसका लिंक मुझे डाल सकते हो, और वहाँ पे कमेंट करके बताओ कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, तो मैं बता दूंगा। इसके बारे में भी जानना है, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि इस मशीन के बारे में अगर आपको जानना है कि इसके डायनोमा के अंदर क्या क्या जुगाड़ कर रखे हैं, वो सब कुछ समझना है डिटेल में, तो उसके लिए भी कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।